तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने फ़ोटोज़ को बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। गूगल पर टाइप करेंगे BG और यहाँ पे फर्स्ट जो लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड फ़ोटो करेंगे, अपलोड इमेज, और यहाँ से अपने फ़ोटोज़ को चूज़ कर लेंगे। फ़ोटो चूज़ करने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। अब इसको बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए ऊपर पेंसिल का आइकन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन मिलेगा। तो बीच वाला जो ऑप्शन है उसमें बहुत सारे आपके प्रीसेट्स मिल जाएंगे, बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। तो आपको जो भी इसमें से अच्छा लगेगा आप उसको चुन लीजिएगा। मुझे यहाँ पे देखिए ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसको चूज कर ले रहा हूँ। दोस्तों जिसको भी चूज़ कीजिएगा उस पर क्लिक कीजिए और उसके ऊपर में आप देख सकते हैं ब्लर करने का ऑप्शन है, तो सेकेंड वाला नंबर पर ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा और पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। फिर डाउनलोड करने के लिए ऊपर डाउनलोड के एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। या डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और नीचे डाउनलोड पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब दोस्तों डाउनलोड करने के बाद अब आते हैं सीधा अपने दूसरे ऐप की जानिब जिसका नाम है PicsArt। तो इस PicsArt को ओपन करेंगे और प्लस के आइकन पर क्लिक करके वो जो बैकग्राउंड रिमूव किए थे उसी फ़ोटोज़ को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने हेयर स्टाइल चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे जाएंगे ऐड फ़ोटो में और यहाँ मेरे पास बहुत सारे PNG हैं हेयर स्टाइल के, तो मैं यहाँ से एक PNG को ले लेता हूँ। आप गूगल से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस PNG को लेने के बाद दोस्तों अच्छे तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, एकदम परफेक्ट बैठा लीजिएगा। और दोस्तों अगर ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा इधर उधर तो ऊपर दिया हुआ इरेज़र का टूल, आपको उस पर क्लिक करके इसे थोड़ा सा कट भी रिमूव भी कर लेना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे इरेजर की मदद से उसे थोड़ा सा कट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है तो इसको हम कट कर दे रहे हैं। इस तरह करके आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा, जिस तरह परफेक्ट दिखे उस तरह आप बना लीजिएगा। इसके बाद बनने के बाद ऊपर सही का निशान दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा परफेक्ट बैठ चुका है। अब दोस्तों यहां से फिर से ऐड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां से कुछ हम पक्षियों के बैकग्राउंड को लेते हैं, PNG को लेते हैं और उसको लगा देते हैं पीछे अपने बैकग्राउंड में ताकि और भी अच्छा दिखे। तो यहां पे देखिए अच्छे तरीके से आप इसे एडजस्ट कर लीजिए, जहां पे भी अच्छा लगे वहाँ पर आप इसे लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। इसके बाद लगाने के बाद ऊपर राइट का निशान दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके इस फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों फ़ोटोज़ के इनहेंस करने के लिए, इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आपको नेट ऑन करना है और एक ऐप का यूज़ करेंगे जिसका नाम है Remini, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसे ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है इनहेंस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने फ़ोटोज़ को चूज़ कर लेंगे जिसको आप HD में बनाना चाहते हैं। यहाँ से मैं उस फ़ोटोज़ को चुन लेता हूँ, राइट के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए प्रोसेस लेने लगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ सेकंड आपको ऐड देखने को मिलेंगे, तो आपको ऐड देखना है। दोस्तों मैं उस ऐड को कट कर दे रहा हूँ और लास्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा एक छोटा सा कट का ऑप्शन, तो आपको उस कट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटोज़ के क्वालिटी को कैसे इन्हेंस किया है। थोड़ा सा इसे जूम करते हैं और इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारी फ़ोटोज़ की क्वालिटी को इन्हेंस किया कि नहीं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड बिफोर है, एक साइड आफ्टर, आप देख सकते हैं कितना अच्छा तरीके से इन्हेंस कर दिया है। अब इसे डाउनलोड करने के लिए ऊपर डाउनलोड के एरो पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब फिर से यहाँ से हम वापस चलते हैं अपने PicsArt में। PicsArt को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको वही फ़ोटोज़ को चूज़ करना है जिसका भी हम लोग क्वालिटी इन्हेंस किए हैं, यानी कि HD में बनाए हैं, तो उसको हमें यहाँ पे इम्पोर्ट कर ले रहा हूँ। दोस्तों ये रहा मेरा फ़ोटोज़, मैं इसे इम्पोर्ट कर चुका हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए हमारा टी शर्ट जो है इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है, कोई भी टेक्स्चर नहीं है, तो इसमें हम कुछ डिज़ाइन ऐड करेंगे। डिज़ाइन ऐड करने के लिए ऐड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ PNGs वगैरह डाउनलोड किया हूँ, तो यहाँ पे देखिए मार्बल वगैरह के, तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे ला लेता हूँ और इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे टी शर्ट के ऊपर ताकि एक अच्छा लुक आ सके। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे तरीके से एडजस्ट कर ले रहा हूँ, आप भी अगर करेंगे तो आप भी अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा।
इसको एडजस्ट करने के बाद नीचे की ओर स्लाइड करते हुए ब्लेंड के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे तीसरे नंबर मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है ऑलरेडी टी शर्ट में पहले से बना हुआ है। अब फिर से ऐड फोटो पर जाते हैं और कुछ कैप्टन अमेरिका का वेक्टर मैं डाउनलोड करके रखा हूँ उसको भी यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ ताकि और भी अच्छा दिखे, खाली खाली दिख रहा है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। ब्लेंड में चलते हैं फिर से और ब्लेंड में फिर से तीसरे नंबर में मल्टीप्लाई के ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इरेजर टूल की मदद से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट नीचे दो लाइन से कटा कटा दिख रहा है उसे थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देंगे ताकि ऐसा ना लगे कि मैं ऊपर से बैठाया हुआ हूँ, मतलब रियलिटी टाइप पर लगे। तो कुछ इस टाइप के आपको भी एडजस्ट कर लेना है और अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है ताकि किसी को पता ना चले। इसके बाद दोस्तों आपको एडजस्ट करने के बाद ऊपर एरो दिख रहा होगा साइन का, उस पर क्लिक करके इसे ओके कर दीजिएगा। इसके बाद डाउनलोड के जो ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। अब दोस्तों लास्ट स्टेप जो हमारा है कलर ग्रेडिंग का, उसके लिए आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे देखिए प्लस के आइकन पर क्लिक करके उस फोटोज़ को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो ये रहा फोटोज़ और मैं ऐड कर ले रहा हूँ और ऊपर ऑल फोटो दिख रहा है दोस्तों उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन में वही फोटोज़ दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए वो फोटोज़ टाइमलाइन में ऐड हो चुका है। अब यहाँ नीचे पे देख सकते हैं ऑप्शन मिलेगा ऑटो का, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो चुका है। अब दूसरे नंबर में आते हैं कलर, कलर में आने के बाद जो ऊपर का आना टेम्परेचर उसको -15 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ऊपर मिक्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और सेकेंड वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके फर्स्ट वाले को यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी सब में एडजस्ट कर लीजिएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं चेहरे में चमक आ गया, शाइन आ गया। 31, 25 और 13 पर सेट कर दीजिएगा। अब आते हैं सेकेंड वाले पर, हेयर। सेकेंड वाले पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए जिस तरह से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। और इस तरह से पीछे बैकग्राउंड का लुक आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। अब आगे आते हैं देखिए दोस्तों, तो आगे आने के बाद इसमें भी आपको देखिए जिस तरह से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी कलर ग्रेडिंग में एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे हो चुका है दोस्तों। लास्ट वाला देखिए यहाँ पे हरा वाला जो ब्लू वाला है इसमें देखिए आप जीन्स के कलर को इन्हेंस कर सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से, देख सकते हैं क्या मस्त लुक आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हो ही चुका है लगभग, अब यहाँ से डन के बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो शेयर का बटन है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव टू डिवाइस कर देंगे। ये हो चुका है दोस्तों परफेक्ट। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जाते जाते एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए ताकि हमारी मोटिवेशन भी बढ़े। और अगर दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।